हेलो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे के निशान को ज़रूर दबाएं। हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीखो एवरीडे। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको मोबाइल की एक ऐसी ट्रिक के बारे में बता रहा हूँ जिसकी जानकारी शायद आपको नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, शायद आपने ये मोबाइल की ट्रिक के बारे में जाना नहीं होगा, लेकिन सुना ज़रूर होगा कि दोस्तों ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊँगा कि जो आपके मोबाइल में ऐप्स हैं जो दोस्तों आपने डाउनलोड किए हैं, उन्हें आप SD कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, आप जो मेरे मोबाइल के ऊपर जो ऐप्स देख रहे हैं, जो वॉलपेपर देख रहे हैं, इसके ऊपर भी मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाया था। अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और ऐसा वॉलपेपर आप लगा भी सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उंगलियों के सहारे दोस्तों इनको उछाल भी सकता हूं। और दोस्तों, इनकी खासियत ये है कि दोस्तों यहां पर मैं जिस ऐप्स पे टच करूंगा दोस्तों, तो ये ऐप्स वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी सेटिंग में जाता हूं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर मेरी सेटिंग है जो यहां पर है। तो दोस्तों, मैं इस पर टच करूंगा तो मेरी सेटिंग, मोबाइल की सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसे ही टच किया तो मेरी मोबाइल की सेटिंग ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे नीचे जाना है और नीचे जाकर दोस्तों यहाँ पर आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में ऐप्स ढूंढना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ऐप्स पर क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डाउनलोड लिख के आ गया। दोस्तों, यहाँ पर देखिए काफ़ी ऐप्स हैं। और दोस्तों, यहाँ पर बगल में मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ऑन SD कार्ड लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर SD कार्ड में देखेंगे कि दोस्तों एक भी मेरा ऐप्स नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पर रनिंग बताता है जो मोबाइल की, मतलब जो मोबाइल के ऐप्स होते हैं, जो रन करते रहते हैं, जो चलते रहते हैं, बताता है। और दोस्तों, यहाँ पर सब ऑल है। और दोस्तों, यहाँ पर ये डिसेबल है, यानी कि जो काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए डाउनलोड पे जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा सबसे ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए AD AdSense। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर AdSense पर आपको क्लिक करना है। और AdSense पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर मूव टू SD कार्ड लिखा हुआ है दोस्तों। तो अभी ये मेरे मोबाइल के इंटरनल मेमोरी में है दोस्तों। जैसे ही मैं इस पर टच करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर मूविंग लिख के आ गया है। और दोस्तों, देखेंगे आप कुछ ही समय में ये मेरे SD कार्ड में चला जाएगा। तो दोस्तों, ये आप इससे काफ़ी अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में स्पेस बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है मूव टू फोन, मतलब ये है हुआ तो कि अब ये मेरे SD कार्ड में पहुंच चुका है। अगर आप मूव टू फोन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इंटरनल स्टोरेज पे आ जाएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड दिखाया और यहाँ पर SD कार्ड ऑन SD कार्ड। अब तो आप देख सकते हैं कि ये AdSense मेरे SD कार्ड पर आ गया है दोस्तों। इसी तरीके से मैं अपना, जैसे कि और भी कोई ऐप्स है दोस्तों, मैं इसको अपने इंटरनल स्टोरेज से अपने SD कार्ड में कर सकता हूँ। इसी तरीके से दोस्तों, आप भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं एक और करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, AD भी स्क्रीन रिकॉर्डर लिखा हुआ है दोस्तों, मैं इसमें करूँगा क्योंकि अभी मैं इस पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिल्मोरा गो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ मूव टू SD कार्ड, यानी कि आप इसे मूव SD कार्ड में मूव कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर यह क्लिक करूँगा तो ये देखेंगे कि आप मूविंग होने लगी है। और दोस्तों, कुछ ही समय में ये मूव हो जाएगा। जब तक आपका कोई भी ऐप्स मूव नहीं हो जाता दोस्तों, आपको बैक नहीं जाना है दोस्तों। और यहाँ पर इसको आपको कि बैक नहीं जाना और किसी भी बटन को क्लिक नहीं करना है। तो आप देखेंगे मूव टू फोन लिख के आ गया दोस्तों। तो यानी कि ये मेरे SD कार्ड में चला गया है। अगर आप फिर इस पर मूव टू फोन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों, ये मेरे वापस अपने फ़ोन के मेमोरी में आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर एक AdSense, एक फिल्मोरा का वो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये दोनों आ गए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने कोई भी ऐप्स को अपने SD कार्ड में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है। और दोस्तों, अगर आप, मैं इस पर बैग जाता हूँ और बैग जाके दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर किसे इन ऐप्सों के साथ खेल सकता हूँ दोस्तों। अगर इसको वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो देखते हैं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।